और इससे भी बड़ी बड़ी मूर्खताएं मैं देखता हूं। कोई अधकचरे हिंदुस्तानी माने आधा अंग्रेज आधा हिंदुस्तानी के घर में जाऊं तो इम्प्रेशन जमाने के लिए माने रौब जमाने के लिए अंग्रेजी झाड़ेगा, हाँ भले गलत सलत लेकिन झाड़ेगा जरूर, रौब पड़े उसके ऊपर। वो क्या कहेगा, हिंदी में भी बोल सकता है वो बात नहीं बोलेगा, वो कहेगा ओ राजीव दीक्षित शी इज माई मिसेज। तो मैं पूछता हूं रियली शी इज योर मिसेज, क्योंकि उसको मिसेस का अर्थ नहीं मालूम। मिसेस का अर्थ जानते हैं क्या है, हर देश की अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति होती है तो उसमें से निकले हुए शब्द की भी अपने इतिहास और संस्कृति की व्यवस्था होती है। इंग्लैंड की सभ्यता कैसी है मालूम है, इंग्लैंड की सभ्यता में एक सबसे खराब बात है जो आपको कभी पसंद नहीं आएगी कि वहां एक स्त्री और एक पुरुष जिंदगी भर साथ कभी भी नहीं रहते, बदलते रहते हैं। जैसे हम कपड़े बदलते हैं ना, वैसे वो एक दूसरे को बदलते रहते हैं। एक पुरुष की 20 स्त्रियां हो सकती हैं, एक स्त्री के 20 पुरुष हो सकते हैं। मेरे कई दोस्त हैं इंग्लैंड और यूरोप में जिनकी 40-40 शादियां हुई हैं, 41वीं करने को तैयार, ये उनके यहां चलता रहता। इसको उनकी भाषा में कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन। तो एक पुरुष कई स्त्रियों से संबंध रखता है, एक स्त्री कई पुरुषों से संबंध रखती है। तो पत्नी को छोड़कर जितनी स्त्रियों से संबंध रखने वाले होते हैं वो सब मिसेज में जाते हैं, माने मिसेज का अर्थ है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी महिला जिसके साथ आप बिस्तर में रात को सोएं वो मिसेज होती है, पत्नी को छोड़कर। अब यहां धर्म पत्नी को मिसेज बनाने में लगे हुए हैं, मूर्खों के मूर्ख पता नहीं कहां से पैदा हुए। मिस्टर का मतलब उल्टा है, पति को छोड़कर कोई भी पुरुष जिसके साथ आप रात बिताएं वो मिस्टर होता है, यहां पति को मिस्टर बनाने में लगे हुए। छोड़िए इन अंग्रेजी शब्दों को, इनमें कुछ दम नहीं। और एक तो सबसे खराब अंग्रेजी शब्द है, पता नहीं लोग बोलते कैसे हैं उसको, मैडम। आप जानते हैं मैडम कौन होता है यूरोप में, अंग्रेजों की संस्कृति में जहां पर परिस्त्री गमन होगा वहां वैश्यावृत्ति होने वाली है कि नहीं, परिस्त्री गमन पर पुरुष गमन वैश्यावृत्ति चरम पर होगी। तो वैश्याएं जो अपने कोठों को चलाती हैं, अपने वैश्यावृत्ति के काम में लगी हुई वैश्याओं की जो प्रमुख वैश्या होती है उसको मैडम कहते हैं। और यहां हिंदुस्तान में अपनी बहनों को मैडम कह देते हैं, ऐसे मूर्ख लोग मैंने इस देश में देखे हैं। अपनी धर्मपत्नी को मैडम कहने में शर्म नहीं आती, ओ मैडम इधर आओ, और वो धर्मपत्नी को भी शर्म नहीं आती मैडम कहलवाने में, वो भी कहती है मैडम कहो मुझको, जान तो लो कि मैडम होती कौन है, फिर कहलवाओ। अपने भारत में कितने सुंदर सुंदर शब्द हैं, श्रीमती, श्री माने लक्ष्मी, मती माने बुद्धि, बुद्धि माने सरस्वती लक्ष्मी। तो जहां सरस्वती लक्ष्मी एक साथ निवास करे वो श्रीमती, उसको हमने मिसेस बना दिया। ये मूर्खाधिपति हमारे देश में, अंग्रेजी पढ़े लिखे, इन्होंने बड़ा सत्यानाश किया, बेड़ा गर्क किया इस देश का, इस अंग्रेजी भाषा ने किया, फिर इन्होंने और ज्यादा किया। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस अंग्रेजी भाषा में मत फंसिए, कुछ इसमें रखा नहीं है।